स्वागत है जी आप सभी का इस YouTube चैनल टेक्निकल पार्टी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑथराइजेशन के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, अगर पेमेंट पेंडिंग में चला गया है तो वेरीफाई उसको किस तरीके से कर सकते हैं, स्टेटस किस तरीके से देख सकते हो परमिट या परमिट ऑथराइजेशन का, बाकी अगर ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कीजिए परिवहन, अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके AITP ऑथराइजेशन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ से तो आप ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑथराइजेशन या AITP परमिट, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट या ऑथराइजेशन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट अगर करना चाहते हो तो उसकी पेमेंट यहाँ से कर सकते हो। पेमेंट अगर पेंडिंग में चली जाती है या फेल हो जाती है तो यहाँ से आप वेरीफाई स्टेटस कर सकते हैं। बाकी स्टेटस आप देखना चाहते हो परमिट का तो यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं। और अगर ऑथराइजेशन डाउनलोड करना चाहते हो AITP ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का, ऑथराइजेशन डाउनलोड करना चाहते हो, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ से कर सकते हो। और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो परमिट सर्टिफिकेट डाउनलोड। और अगर एप्लीकेशन कैंसिल करना चाहते हो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑथराइजेशन एप्लीकेशन जो है उसको डिस्पोज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अप्लाई अगर करना चाहोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे चेसिस नंबर डालिएगा और गेट डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे यूजर मैनुअल दिया हुआ है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये जो यूजर मैनुअल है इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई हुई है किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट पेंडिंग में चली जाती है तो किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से कर सकते हो, स्टेटस किस तरीके से देख सकते हो, वो सभी इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कंटेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा कंटेंट किस पेज पे है। अप्लाई फॉर AITP ऑथराइजेशन या परमिट, तो ये 2 से 4 पेज पे है। ठीक है, आगे आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा सब कुछ। यहाँ पे क्या क्या इस मैनुअल में डिस्कस किया गया है, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑथराइजेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के बारे में डिस्कशन किया गया है, बाकी ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बताई हुई है, और उसके बाद स्टेटस किस तरीके से देख सकते हो वो बताया गया है, परमिट ऑथराइजेशन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो वो बताया गया हुआ है, और उसके बाद AITP परमिट किस तरीके से प्रिंट निकाल सकते हो वो सब बताया हुआ है। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिपोर्ट गजट नोटिफिकेशन ये सब दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो तो। और यहाँ पे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के बारे में भी बताया हुआ है, फॉर वाहन फॉर इनेबल स्टेट, उसके बाद फॉर नॉन वाहन स्टेट्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर नॉन वाहन स्टेट्स के लिए। AITP वर्क फ्लो यहाँ पे दिया हुआ है, AITP जो वर्क फ्लो है इसमें क्या क्या डिस्कस किया जाएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे आप, वो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद इस तरीके से आएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, चेसिस नंबर डालोगे, गेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे। उसके बाद पूरे प्रोसेस के बारे में इस ये जो पेज है इसमें नीचे दिया हुआ है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप सीधा देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी अगर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑथराइजेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो, अप्लाई प्रोसेस, पेमेंट स्टेटस का, वो सब अगर आप जानना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, एक स्पेशल वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा इससे रिलेटेड। व्हीकल रिलेटेड और भी जानकारी आप निकालना चाहते हो सिंपली यहाँ पे व्हीकल डाल दीजिएगा, चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, विच व्हीकल HP टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट RC, व्हीकल RC पर्टिकुलर, और भी काफ़ी व्हीकल रिलेटेड वीडियो हमने यहाँ पे अपलोड कर रखी है वो आप देख सकते हो।
सोशल साइट पर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आओ, सोशल साइट के लिंक आपको दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखे, वो आप देख सकते हो। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा, फायदा इसका यह होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।